यहाँ पे अभी टाइम हो रहा था 12:30, 1 रात का बज रहा था, क्योंकि घर का सब काम सब खत्म होते होते इतना लेट हो गया, क्यों आए थे मार्केट से लेट, 10 बज गया था। फिर ये सब, ये कुछ स्कूल का रहता है ना तो बहुत उसमें टाइम चला जाता है, ये सब लाओ घर पे बनाओ तैयार करो, सामान इधर उधर घूम घूम के लेके आओ, तो ये बहुत होता है। लेकिन ठीक है, इस बार सामान आ गए तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम लाना पड़ेगा। फिर भी अभी कुछ कुछ नहीं मिला था तो किस फ्रेंड से लाए थे और ऐसा लाए थे, तो नेक्स्ट टाइम और थोड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, बस ये मटका लाए थे जो रहता था, उसको पहले व्हाइट कलर कर लिए, व्हाइट कलर सूखने के बाद उसमें लेस वगैरह चुपका, अभी 12:40 हो रहा था, 1 बज नहीं जा रहा था, तो लेस चिपका दिए। फिर ये थोड़ा मोती उसमें चिपकाए और अब इसके लिए लटकन बनाएंगे। और ये तो बहुत मतलब था, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे थे, तो उसको बनाने के लिए ना बहुत टाइम हो, मतलब बहुत टाइम जा रहा था। अभी देखो 1:30 बज गया इस टाइम पे, वो 1:20 हो रहा था, तो उतना बन गया था। अब ये लटकन बनाना बाकी था और ये पूरा इधर पसारा करके रखे हैं, एक मटका हो गया, दूसरा कर रहे हैं। और ये दोनों बच्चे सोए नहीं, क्यों, ये लोग बहुत एक्साइटेड है कि उनको राधा बन के कल स्कूल जाना है, ये करना है। तो अभी 1:30 से 1:30 बज रहा था, तब तक इनको अब नींद नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए ये दोनों सोए नहीं, तो मैं आई तो उधर मेरे फ्रेंड के घर पे बेटी भी आई है, ऊपर ही रहती है, तो हम एक जगह पे ही कर रहे थे दोनों, क्योंकि सेम ही करना है। दो मटका लाए थे तो साथ में ही सामान रखे थे, दोनों को ही करना है तो अलग अलग क्यों करे, तो एक ही जगह कर रहे थे। देखिए ये सब अभी करते करते लेट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी ना 11 बज गया और घर का सारा काम हो गया है, सिर्फ पोछा लगाना बाकी रहेगा क्योंकि उसको थोड़ा बाद में लगाऊंगी। और आज थोड़ा मतलब घाई घाई वाला काम है, और आज ना पूरा घर ऐसा सब बिखरा पड़ा है, मतलब सब सामान निकाल के रखी हूँ, बिखरा पड़ा नहीं है, सब सेट करके रखी हूँ पर सब सामान निकाल के रखी हूँ। और मैंने कल जो बताई थी ना, कल मैंने गई थी मार्केट तो क्या क्या लेके आई वो आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। और बेटी तो अभी सोई है, उसको उठा ही नहीं मैं, तो चले मैं क्या क्या लाई हूँ आप लोग के साथ पहले वो शेयर कर ले, तो आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो जो सामान ले वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि कल बताई थी ना कि सामान लेके आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मंगलसूत्र अच्छा लगा तो एक मंगलसूत्र लेके आई थी, ये डिजाइन अच्छी लग रही थी तो मैं देखी तो ये लेके आ गई थी मंगलसूत्र। और ये मेरा कुछ मतलब थोड़ा लिपस्टिक का भी ये कलर दोनों अच्छा लगा, और था ये कलर मेरे पास नहीं था तो ये दो कलर लेके आई हूँ। और थोड़ी नेल पेंट लेके आई थी मेरे लिए, ये तो बैठी तो लगाती नहीं है तो मेरे लिए ही लाई थी, मतलब इसका कलर अच्छा लगा तो ये 3 नेल पेंट लेके आ गए। और उसके बाद में उसको मेकअप करके जाना है, तो मेकअप किट मेरे पास था ही नहीं, क्योंकि मैं इतना मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ, तो मेरे पास नहीं था, तो अब इसकी ज़रूरत है तो लेना ही पड़ेगा, तो ये लेके आई इसके लिए। छोटी छोटी वाली लाए, इसमें इसके लिए बहुत है, कभी कभी तो मेकअप करेगी तो इसमें बहुत हो जाएगा, और वो बहुत खुश हो गया देख के। मेकअप किट आ गई और इसमें सारा ही है, मेकअप भी है और सब के, मतलब लिपस्टिक नहीं है बाकी इसमें सब है। तो मेकअप किट उसका हो गया, टेंशन ख़त्म अभी। और ये लेके आए थे चूड़ी, तो वो इतना एक्साइटेड है ना, सब निकाल के रात को ही पहन के देख रही थी, ऐसे करते बच्चे सब कुछ ले उनके लिए ये सब। और इसको तो बहुत ज़्यादा शौक है मेकअप करना, ये करना वो करना, चूड़ियाँ पहनना, पायल पहनना, ऐसे बहुत शौक है, उसके लिए सब कुछ लेके आए। तो फिर बेटे का भी ऐसा हो जाता है ना, मेरे लिए कुछ नहीं ले, तो उसके लिए बैग उसका खराब हो गया था कराटे वाला, तो उसके लिए बैग लेके आए, तो क्लास से तो उसका बैग खराब हो गया था। और ये मेरे को ना ये चप्पल बदने अच्छी लग रही थी तो मैंने ये ले ली डेली यूज के लिए, और एक है वो इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था तो ये वाला लेके आ गई थी। बाकी थोड़ा कान्हा जी के लिए भी शॉपिंग की, क्योंकि उनका भी जन्माष्टमी है तो उनके लिए दो कपड़े लिए पोंछने के लिए। और ये नेकलेस ना मेरे को अच्छी लगी, और इसके पास था पता नहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब इधर उधर हो गया, तो अभी इसके लिए फिर से लेके आए। मेरे को ये 3 डिजाइन अच्छी लगी तो मैं बोले ले लूँ, अभी नवरात्रि वगैरह आ रहे फिर पहन लेगी उसी में। ये देखिए इसमें से एक साइड का कान का एक साइड का निकाल के काम पे फेंक दी, वो ऐसे ही करती है, सामान आया ना तो देख के सब इधर उधर करके रखी है। तो उसके लिए 3 नेकलेस लेके आई थी, मेरे को तीनों अच्छी लगी तो तीनों लेके आ गई थी, कि अभी थोड़े थोड़े रखना पड़ेगा। मैं पहले इतना मेरे को इतने ये सब का मतलब बहुत कम मैं पहनती हूँ, तो मैं बहुत कम रखती हूँ, तो अभी ये क्या लड़की है तो इसके लिए अभी सब लेनी पड़ेगी। पहले तो मेरे को तो मेरे पास लड़की नहीं थी तो मेरे को इतना नहीं पता था क्या क्या लूँ। और ये उसके लिए चोटी लाई, क्योंकि उसका ना हेयर बहुत छोटा है, तो उसको कैसे भी इसको सेट करके लगा देंगे तो थोड़ा चोटी बन जाएगी, तो राधा बनेगी तो अच्छी लगेगी।
बहुत छोटा है और थोड़ी सी भी बड़ी हो जाती ना तो अच्छी लगती, पर ये तो चलो बाद में भी कभी काम आ जाएगी, तो इसके लिए ये भी लेके आ गई थी। ऐसे सब छोटे मोटे सामान इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के लाओ तो इसमें बहुत टाइम चला जाता है। और ये उसके लिए हेयर पिन लेके आई क्योंकि बहुत अच्छे से इसको लगा दूँ। और ये लेके आए बाजूबंद का वो बांधने के लिए, तो पहले ये दो राखी लेके आ गए थे, फिर उसके लिए ना ये लेके आए थे लटकन, तो ये अच्छा लग रहा था बाजूबंद वाला। तो ये देखिए वैसा वाला ना बच्चे पहनते तो अच्छे लगते हैं, लेकिन ये थोड़े से बड़े थे इन, मतलब छोटे साइज उनके पास था नहीं तो ये बड़े साइज ही था, तो यही लेके आ गए। ये भी चलो ये भी बाद में कभी काम आ जाए कि कब ऐसे तैयार होंगे कभी तो। और बस ये छोटे छोटे उसके लिए बीड्स वगैरह और सेफ्टी पिन, ये छोटे मोटे जो जो सामान चाहिए था, और कान का ये सब छोटे छोटे सामान जो जो चाहिए वो लेके आई थी। और ये लहंगा पहनने वाली है तो इसके लिए ये कान का पिंक कलर हो जाएगी, है ना। तो ये सब सामान लेके आए हो, और ये गजरा लेके आए क्योंकि असली वाला अभी रात हो गई थी तो मिल ही नहीं रहे, तो बंद हो गया था दुकान, तो यही वाला लेके आ गए थे। और ये लेस लेके आई थी, और थोड़ा कान्हा जी का सामान उनके लिए, गद्दा उनके लिए, हार बांसुरी उनका सब सामान लेके आए। और ये उनका ड्रेस, इनको जन्माष्टमी आ रही है तो ये भी साथ में शॉपिंग कर लिए दोनों, कान्हा जी का भी और इनको भी राधा बनानी है तो ये भी हो गया। और ये देखिए इनके छोटा सा चड्डी ड्रेस और उनके बांसुरी, ये सब सामान लेके आए कान्हा जी के लिए। और ये जो रात को मटका बनाए थे ये तो माखन बनाने के लिए छोटी वाली मटका है, और ये स्कूल लेके जाएंगे। तो ये देखिए दो दो गजरा हो गया, उधर एक रखा हुआ था, और ये देखिए ऐसा मटका बन गया। ये लटकन रात को बनाए थे, अभी ये फाइनल रेडी और तैयार हो गया, स्कूल लेके जाएगी। और इसके बाद में ना मैं कान्हा जी का झूला रखी थी तो झूला भी निकाल के बाहर रख दी। अभी जन्माष्टमी पता नहीं आज रखे उपवास, अभी आज बोले कल बोले, अभी थोड़ा इसको छोड़ के आके फिर किसी को पूछेंगे, फिर जिस दिन रहेगा उस दिन करूँगी। अभी तलक तो मैं आज ही मान के चल रही हूँ, फिर पूछना पड़ेगा आज करूँ क्या कल, तो गांव में फ़ोन करके पूछती हूँ, फिर जैसा रहेगा उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ पे भी आधे जन आज कर रहे आधे जन कल कर रहे, तो समझ में नहीं आ रहा है। और ये साल ना हर त्यौहार दो दो बार आता है ना, दो दो दिन, मतलब समझ में नहीं आता कौन से दिन पर करे। तो ये देखिए सब है, और अब चलिए उसको पहले फटाफट मैं रेडी कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये एक ही जगह पर रेडी कर रहे दोनों जन को, क्योंकि जल्दी साथ साथ हो जाए। ये देखिए ये दोनों जन इधर रेडी हो रहे, तो अभी हाथ में इनको अलता लगा रहे, अभी इधर ही उसको मैं लगा रही हूँ, उसकी हो गई तो मैं कर रही हूँ ऐसे कर रहे। और टाइम हो रहा था ना अभी क्या 12 बजने ही वाला है, तो लेट हो जाएगा, इनको 1 बजे का स्कूल है, तो इनको फटाफट रेडी करेंगे। और बहुत टाइम चला जाता है ऐसा लगता है, पर बच्चों को साथ ना इनको तैयार करना बहुत टाइम जाता है। और ये देखिए फाइनल लुक, ये दोनों जन एकदम से रेडी हो गए, और अभी स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा था तो फटाफट भागते। और मैं मिलती हूँ आप लोग को और एक नई वीडियो पे, अच्छे से इनका श्रृंगार दिखाऊंगी। तो चलिए हमारे राधे रानी कैसे लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मिलेंगे नई वीडियो पे। आज का वीडियो अगर अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में राधे राधे लिखना। बाय बाय, मिलेंगे नई वीडियो पे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय।